शंकर भगवान है सृष्टि के आधार। शिव शंकर भगवान है सृष्टि के आधार। आदि देव महादेव को नमन है सौ सौ बार हमारा, नमन है सौ सौ बार। गंगा सोहे शीश पर अरु चंदा है माथ, गंगा सोहे शीश पर अरु चंदा है मात। तन भभूति रमाए हैं डमरू इनके हाथ है बतो, डमरू इनके हाथ। सर्पों के हार हैं कंठ में मुंड माल, गल सर्पों के हार हैं कंठ में मुंड माल। कर त्रिशूल धरे रहे अरु पहने मृग चाल रे बोले, अरु पहने मृग चाल। शिव सम को ही देव नहीं, शिव सम नहीं दयाल, शिव सम को ही देव नहीं, शिव सम नहीं दयाल। आप फकीरी भेष धरे औरों को दे धन माल रे बोले, औरों को दे धन माल। क्रोध में जब जब आए प्रभु खोलती जाने, क्रोध में जब जब आए प्रभु खोलती जाने। असुर भीन का नाम जपे भक्तों दिन और रैन रे बोले, भगतो दिन और रैन। नंदी पर असवार है पार्वती के साथ, नंदी पर असवार है पार्वती के साथ। कृपा सभी पे कर रहे भोले दीनानाथ रे बतो, भोले दीनानाथ। बम बम भोले जो जपे मन से लगावे ध्यान, बम बम भोले जो जपे मन से लगावे ध्यान। पूर्ण हो मनोकामना शरण लगे भगवान की बातों, शरण लगे भगवान।
एक लोटा जल से प्रसन्न, बोले शिव हो जा। एक लोटा जल से प्रसन्न, बोले शिव हो जाए। भवसागर नैया तरे, बेल पत्र जो चढ़ाए रे भक्तों, बेल पत्र जो चढ़ाए। शहद दही घृत दूध से इनका करे अभिषेक, शहद दही घृत दूध से इनका करे अभिषेक। आत्मज्ञान जगे उनका, जागे मन का विवेक रे भक्तों, जागे मन का विवेक। शंकर सम पिता नहीं, पार्वती सम मां। शंकर सम पिता नहीं, पार्वती सम माँ। दोनों के आराधन से पाप सभी मिट जाए रे भक्तों, पाप सभी मिट जाए। ब्रह्मा जी को वेद दिए, लंका रावण दीन। ब्रह्मा जी को वेद दिए, लंका रावण दीन। सबको माला माल करे, खुद रह दीन और हीन रे बोले, खुद रह दीन और हीन। सागर मंथन के समय पिए हलाहल आप, सागर मंथन के समय पिए हलाहल आप। देवी देवों के हरे, अपने सब संताप रे बोले, अपने सब संताप। कंठ में विष को धार के नीलकंठ कहला, कंठ में विष को धार के नीलकंठ कहलाए। और कोई ना कर सके काम, यही कर जाए रे बोले, काम यही कर जाए। कंचन थार सजाई के धूप और दीप जला, कंचन थार सजाई के धूप और दीप जलाए। शिव मंत्र के जाप से मुक्ति का फल पाए रे भक्तों, मुक्ति का फल पाए। चंदन
तिलक लगाई के कर शिव नाम का जाप। चंदन तिलक लगाई के कर शिव नाम का जाप। अंतकाल शिव लोक को जा पाएंगे आप रे भक्तों, जा पाएंगे आप। ओ जय 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 भोले भंडारी, तेरी महिमा अगम अपारी। अचल अजर अमर अविनाशी कैलाशी काशी के वासी। अलौकिक दिव्य है दृष्टि, तुम में समाई सारी सृष्टि। हलाहल पीने वाले सर्पों की माला। सोच कर हम तो हारे। सर्वेश्वर अंबिकानाथ तू ही योगेश्वर। पशुपतिनाथ कहीं नागेश्वर। ज्योतिर्लिंग महा, ओम नमः शिवाय बोलो नमः।
उमेश है तू ही, आशुतोष नटराज तुम्हें हो, पति तुम नागेंद्र कैलाश पति तुम, अमरनाथ जी शंकर भोले त्रिपुरारी, गले में सर्पों की माला, ओम नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, ओ शंभुनाथ जी शिवजी नाथ जी केदारनाथ जी बैजनाथ जी, महायोगी त्रिनेत्र के धारी, नाथ तुम्हें हो, शिव शंकर संग में रहते भूत भयंकर, गंगा
गा नाचे भोले पीकर भंगा से न्यारी पर मेरे धर दो शिवाय ओम नमः।
शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम गौरीश्वराय शिव गौरीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नंदीश्वराय
शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नंदीश्वराय शिव नंदीश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सर्पेश्वराय शिव सर्पेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। चंद्रेश्वराय शिव चंद्रेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नीलेश्वराय शिव नीलेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू धराय शिव डमरू धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। डमरू धराय शिव नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोलेनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं हम भोलेनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं जनों आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे पुराणों में इनके चमत्कार की अनेकों ही कथाएं वर्णित हैं उन्हीं पावन कथाओं में से हम आपको कुछ कथाएं सुनाएंगे आशा करते हैं आप भगवान भोलेनाथ की महिमा वर्णन सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे प्रिय भक्तों भगवान भोलेनाथ को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आए हुए काल को भी टालने में सक्षम है इसी प्रकार की एक कथा का हम सर्वप्रथम वर्णन करते हैं तो चलिए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की ये चमत्कारी कथा ऋषि मृकंडू हुए हैं भक्तों शिव के भक्त महान और उनकी पत्नी थी जिनका मरुधति था नाम किंतु अनेकों वर्षों तक उन्हें ना संतान हुई पुत्र की प्राप्ति का उपाय खोज रहे थे कोई करने लगे हैं भोलेनाथ की दोनों ही कठिन तपस्या एक ही पुत्र चाहे हो जाए मन में यही थी इच्छा भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न बड़े हुए साक्षात दर्शन आकर के पति पत्नी को दिए पति पत्नी भोले के चरणों में गिर जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं हम कथा सुनाते हैं जनों भगवान भोलेनाथ ने जब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी को दर्शन दिए तो दोनों ने भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तब ऋषि श्री मृकंडू और उनकी पत्नी ने भगवान भोलेनाथ से पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जताई भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दो विकल्प दिए एक अल्पायु बुद्धिमान पुत्र की और दूसरा दीर्घायु मंद बुद्धि पुत्र की ऋषि मृकंडू ने भोलेनाथ से बुद्धिमान पुत्र का ही वरदान मांगा परिणाम स्वरूप उन्हें बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ जिसको पति पत्नी ने मार्कंडेय नाम दिया
किंतु भगवान भोलेनाथ के वरदान स्वरूप उनकी आयु सिर्फ 16 वर्षों की थी। भोलेनाथ ने दिया वरदान तो असर दिखाया है, पर अल्पायु पुत्र ऋषि मृकंडु ने पाया है। पति पत्नी ने मारकंडे जिसे नाम दे दिया है, किंतु बुद्धिमान बड़ा ही उनका पुत्र हुआ है। जान गए अल्पायु मेरी 16 वर्षों की है, जब तक सांस चलेगी शिव की करनी भक्ति है। बुद्धिमान था मृत्यु के भय से ना घबराया है, भोलेनाथ की भक्ति में बस ध्यान लगाया है। 16 वर्ष फिर धीरे धीरे बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब ऋषि मार्कंडेय ने जाना कि वो अल्पायु हैं, तो उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बिताने का निश्चय किया और 16 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। 16 वर्ष पूर्ण होते ही यमराज उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं, तो ऋषि मार्कंडेय भागकर काशी पहुंच गए, किंतु यमराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ऋषि मार्कंडेय शिवलिंग से जाकर लिपट गए और भगवान भोलेनाथ का आवाहन करने लगे। उनकी पुकार सुनकर भोलेनाथ वहां स्वयं प्रकट हो गए और ऋषि मार्कंडेय को अमृत का वरदान दे दिया। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जो अल्पायु थे उनको भी अमर कर दिया है, भोलेनाथ की उन पर भक्तों ऐसी हुई दया है। ऋषि मार्कंडे को यम भी ले जा नहीं सकते हैं, क्षमा याचना यम भी भोलेनाथ से करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की भक्तों ऐसी शक्ति है, जाप करे तो आए काल को टाल वो सकती है। प्रकट स्वयं ही भोलेनाथ ने मंत्र ये कर दिया है, जो करते हैं जाप मंत्र का होती उन पे दया है। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा ऐसी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते तार, ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते तार। भक्त जनों, भगवान भोलेनाथ ऐसे वरदानी हैं कि थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं, सच्चे मन से की गई क्षण भर की भक्ति से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा का अब हम वर्णन करेंगे। किसी समय में एक साहूकार है शिव का भक्त हुआ, पर संतान की प्राप्ति का नहीं सुख उसे प्राप्त हुआ। सच्चे मन से करता था वो शिव की ही आराधना, साहूकार की पूर्ण हुई ना किंतु मनोकामना। माता पार्वती ने एक दिन फिर ये शिव से कहा है, क्यों ना अब तक इसे पुत्र का आपने वर दिया है।
आप सदा ही स्वामी भक्तों की विनती सुनते हैं। सच्चे मन से आपकी साधना जो भी करते हैं। क्यों नहीं पुत्र कबर इनको फिर देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके भाग्य में जो होता है वही उसे प्राप्त होता है। किंतु माता पार्वती कहने लगी, हे भोलेनाथ, आपको इसकी इच्छा पूर्ण अवश्य करनी चाहिए। माता पार्वती की विनती पर भगवान भोलेनाथ उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं, किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि इसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के वार्तालाप को सुन रहा था, अतः वो ना तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी। पहले की भांति शांत चित होकर भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहा। फिर साहूकार के घर में तो एक पुत्र का जन्म हुआ है। अल्पायु है किंतु पुत्र साहूकार जानता है। धीरे धीरे 11 वर्ष का जब है पुत्र हुआ, विद्या प्राप्त करने को उसे काशी में भेज दिया। अपनी पत्नी के भाई को साहूकार बुलाया, ले जाओ इसको काशी में, उसको इतना बताया। रास्ते में मिले जितने ब्राह्मण, दान दक्षिणा देना और पुत्र की दीर्घायु का वर भी मांग लेना। सिद्ध पुरुषों के वचन कभी कभी सत्य हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते तार। ये शिव ही है महाकाल, जो काल को देते तार। भक्तजनों, साहूकार ने अपने साले को बहुत सा धन देकर विदा किया और कहने लगे, मेरे पुत्र को काशी में ले जाकर शास्त्रों की विद्या का ज्ञान दिलवाएं। रास्ते में आपको जितने भी ब्राह्मण मिले उन सबको उचित दान दक्षिणा देना और उनके चरणों में वंदन करना। किसी ब्राह्मण के मुख से यदि पुत्र को दीर्घायु का वरदान मिल जाए तो हमारी साधना पूरी हो जाएगी। साहूकार के कहने पर मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर चल दिया। चलते चलते दोनों एक नगर की सीमा में आकर रुक जाते हैं। दोनों जिस नगरी में रुके थे उस दिन उसी नगर के राजकुमार का विवाह था, किंतु राजकुमार एक आंख से काना था। राजा ने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को अपने पुत्र की जगह ले जाकर राजकुमारी से ब्याह करा दूं और बाद में इनको बहुत सा धन देकर विदा कर दूं। साहूकार के पुत्र को राजा ने बुलवाया है और दूल्हे का वेश पुत्र की जगह बनाया है। राजा ने तो उनको सारी बातें बताई है। राजकुमारी की शादी धोखे से रचाई है। साहूकार के पुत्र में लेकिन ईमानदारी है। दुल्हन की चुनरी पर बातें लिख दी सारी है और दुल्हन ने लिखा हुआ संदेश पढ़ लिया है। राजकुमार के संग जाने से उसने मना किया है।
खाली हाथ ही सब बाराती लौट के आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब राजकुमार की जगह साहूकार के पुत्र को राजकुमारी से शादी के लिए फेरों पर बैठाया तो साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा पति तो एक आंख से काना है और मुझे बलपूर्वक राजा ने अपने पुत्र की जगह बैठा दिया। जब दुल्हन ने अपनी चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो वो सब कुछ जान गई। उसने अपने पिता को सारी बातें बताई। जब बात सामने आ गया तो बारात को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र की ईमानदारी की खूब प्रशंसा की और उसे बहुत सा धन देकर काशी की ओर विदा कर दिया। मामा भांजा दोनों काशी नगरी में आए हैं और यज्ञ के लिए अनेकों पंडित बुलवाए हैं। जानते थे कि एक वर्ष का समय है उनके पास, दीर्घायु के लिए यज्ञ वो करवाने लग खास। यज्ञ हुआ संपूर्ण तो फिर पूर्ण आहुति दी, एक वर्ष की जो सीमा थी वो भी बीत गई। साहूकार का पुत्र ये मामा से कहने लगा है, ना जाने मामा मेरा सर क्यों चकरा रहा है। इतना कहते ही प्राण पखेरू भी उड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते कार, ये शिव ही है महाकाल जो काल को देते कार। भक्तजनों, 12 वर्षों का समय पूर्ण होते ही साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके मामा अपने मृत भांजे को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसका विलाप सुनकर माता पार्वती को बड़ी ही दया आई और कहने लगी, हे नाथ, आपको साहूकार के पुत्र के प्राण लौटाने होंगे, वरना इसका मामा विलाप करते करते अपने प्राण त्याग देगा। भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और साहूकार के पुत्र को प्राण वापस लौटा दिए। भोलेनाथ ने जिसे दिया अल्पायु का वरदान, माता पार्वती की विनती भोलेनाथ गए मान। आई हुई मृत्यु को भी भोले ने टाल दिया है, अल्पायु को भोलेनाथ ने दीर्घायु किया है। और दर्शन भी मामा भांजा दोनों को दिए हैं, दर्शन पाकर भोलेनाथ के प्रसन्न बड़े हुए हैं। भाग्यशाली है स्वयं ही भोलेनाथ जो हमसे मिले, बोला मामा अब तो अपने नगर की ओर चले। प्रस्थान फिर अपने नगर में वो कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो काल को देते तार, ये शिव ही है महाकाल जो काल।
मामा और भांजा दोनों अपने नगर की ओर चले तो रास्ते में वही नगरी पड़ती थी जिस राजा की कन्या का साहूकार के पुत्र से विवाह कराया था। राजा उनको देखते ही पहचान गया और अपने राजमहल में ले गया। राजकुमारी ने अपने पिता को कहा कि मेरा विवाह तो इस साहूकार के पुत्र के साथ ही हुआ, क्यों ना आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ विदा कर दें। राजा अपनी कन्या की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। साहूकार के पुत्र से फिर तो राजा कहने लगा, मेरी पुत्री का आपके साथ ही संपन्न हुआ विवाह। पत्नी रूप में आप मेरी पुत्री को अपनाए, मैं चाहता हूँ करके विदा इस घर में ले जाए। राजा ने जो विनती की तो उसने मानी है, साहूकार के पुत्र की फिर वो बन गई रानी है। राजा ने अपनी कन्या को बहुत सधन है दिया, धूमधाम से राजकुमारी को है विदा किया। फिर तो लौट के अपने नगर में वो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से साहूकार के पुत्र को दीर्घायु के साथ साथ राजा की कन्या भी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जब वह अपने नगर में वापस आए तो साहूकार के पुत्र ने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। इतना सुनकर साहूकार भोले नहीं समाए और भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। भोलेनाथ ने ऐसी उन पर कृपा बरसाई, दीर्घायु भी साहूकार के पुत्र ने है पाई। भोलेनाथ तो सदा भक्तों पर कृपा करते हैं, सच्चे मन से जो भी इनका नाम सुमिरते हैं। सोमवार के व्रत में ये ही कथा सुनी जाती है, भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर हो जाती है। भोलेनाथ की कथा को सुनता हंस राज रलहन, दियसपाल भी करता उनके चरणों में वंदन। फौजी सुरेश से लाखों भक्त भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।